सभी को गुड मॉर्निंग। और आज तो होली है, इसलिए होली को भी सभी को हैप्पी होली। और सब खुश रहिए, मस्त रहिए। और होली में तो है ही कि बनाना है, खाना है, एक दूसरे से मिलना है, जुलना है, यही होता ही रहता है। हाँ, इसी के नाम होली है। और पहले तो हालांकि बहुत लोग मतलब होली में रंग मिट्टी धूला से ही खेलते थे, या तो धीरे धीरे सब हटने लगा है। रंग दिन सब सुबह से ही रंग लगाने लगते हैं, और उसके बाद शाम का समय सब अबीर से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और वही अच्छा रहता है, वही अच्छा रहता है। कहे दिनों दिन तो अब सब पर्व त्यौहार का महत्व ही घट रहा है, पहले के जैसा कहाँ। जैसे हम लोग जब छोटे थे तब का होली का तो मज़ा अलग ही था कि मिट्टी धूला कादा में सबको गोबर में सबको एकदम खूब खेलते थे, हम लोग खुद खेलते थे नहीं ना, तो वही था रंग हो गया, या अभी शाम को अबीर से एक दूसरे के घर जाना आना, रही जो है परंपरा शुरू की वही है। और यही सब देखते हैं आज होली है, आज हम भी क्या क्या कर रहे हैं, आज पूरा दिखाएंगे कि क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। और अभी तो गए, ये तो लेके आ गए हैं मटन टन ला के रख दिए हैं, देखते हैं देखिए अब हम नहा धो के तैयार हो गए हैं, पूजा वूजा करके अब चलते हैं, दिखाते हैं कि आज पुआ तो मस्त है बनाना, आज पुआ होली में तो एकदम जरूरी ही है बनाना। और मटन भी आ गया है, मटन के लिए भी मसाला सब पिसा गया है, सब आपको दिखाते हैं। अभी प्याज कटेगा, इधर इमली का चटनी भी बन रहा है, सब हम दिखा रहे हैं आपको कि देखिए। पहले तो पुआ हम दिखाएंगे, का है पुआ से ही शुरुआत करेंगे, पुआ ही मीठा है। पुआ में सूजी मैदा और सब्जी डाल दिए हैं, इलायची और किशमिश, नारियल बाद में डालें, का है कि नारियल उतना किसी को पसंद नहीं है और अंशु पापा को पसंद है तो इसलिए नारियल डालेंगे। और इधर देखिए मसाला भी पिसा गया है, पिसा के मसाला रखा गया है। इधर देखिए इमली का चटनी, इमली का चटनी देखिए बन रहा है एकदम मस्त। हल्का सा डाल दिए हैं हल्दी भी इसमें, थोड़ा रंग लगेगा तो अच्छा लगेगा इसके बिना। इधर देखिए रिफाइंड हो रहा है गरम पुआ के लिए, पुआ बनाएंगे अभी, बना के दिखाते हैं पुआ। देखिए मटन बनने की तैयारी हो गई है, हम लोग मटन अलग बनाते हैं, मेरे मतलब रसोईया में हम नहीं किचन में घुसाते हैं, सब अलग ही बनता है, अलग चूल्हा अलग बर्तन। रुक जी देखिए इसके लिए प्याज तैयार है, क्या हमने मटन चावल और भुस्का पूरी सब खाने बैठ गए हैं। देखिए मटन है, हम तो कम मटन लगता है खाली कर दिए हम अपना प्लेट खत्म भी कर दिए मटन बहुत ही मस्त बना है, नमक सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मटन बना हुआ है, बहुत टेस्टी। एक पीस ही खाइए तो लगेगा कि हाँ मटन बना है। हम लोग सब तैयार हो गए हैं, चलिए दिखाते हैं। हैप्पी होली। हम लोग तैयार हो गए हैं, देखिए अंशु का पापा जी को देखिए, अंशु देखिए, बेटी को देखिए, बीचम देखिए बेटी को, फिर चलो हो गया ठीक है। देखिए बच्चे लोग आए हैं, दिखाओ चेहरा तुम लोग। हाँ
तब होली कैसा लगा? होली कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा लगा, खूब खेली, रंग खेली, हाँ तो बारिश पड़ने लगा। हाँ अच्छा, तब होली नहीं रंग नहीं खेली, रंग नहीं खेली। अच्छा देखिए आई है सब, खाओगी? अच्छा ठीक है, क्या लोगी? ले लो जो भी लेना है। अभी बच्चे लोग एक बार एक झुंड आ रहे हैं, तब लेडीज लोग, तब जेंट्स लोग सब आते जाते थे। अब है कि मोहल्ला के बच्चे लोग भी सब बाहर बाहर चले गए, सब नौकरी में। अब खुद ही ले लीजिए, मेरे ही दो बच्चे दोनों बाहर सर्विस करते हैं, तो इसीलिए अब बच्चे लोग सब बाहर रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अब तो मुश्किल हो गया है, मैं भी कहीं नहीं जा पाई इसलिए। लेकिन वही है कि थोड़ा तो घूमना फिरना चाहिए ही, मिलना जुलना, तो अगल बगल के लोग आए भी गए, अंशु पापा भी कहीं कहीं गए। मैं अच्छी रहती थी तो मैं भी जाती थी अगल बगल। हाँ इसी तरह होली बहुत अच्छी सी बीत गई। अब इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ, और अगर यह ब्लॉग अच्छा लगे आप लोगों तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिए, और सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।